भारतीय जनता पार्टी ने जिला कलेक्टर एसपीआईजी को ज्ञापन सौंपकर बढ़ती अवैध बांग्लादेशी घुसपैठ पहाड़ियों पर हो रहे अवैध अतिक्रमण के साथ ही अजमेर में एनआरसी लागू करने की मांग की है। शहर जिला अध्यक्ष भाजपा शिव शंकर हेड़ा, अजमेर मेयर धर्मेंद्र गहलोत के रूप सहित भाजपा के विभिन्न पदाधिकारी जिला कलेक्ट्रेट पहुँचे और उन्होंने ज्ञापन सौंपा। लौंगे इलाके में भारतीय जनता पार्टी पदाधिकारी के साथ पक्षपात रूप से राजनीति व्यवस्था के चलते की गई कार्रवाई पर निंदा व्यक्त की और भाजपा पदाधिकारी अनिल नरवाल पर लगाए गए मुकदमे को वापस लेने की मांग की है। भारतीय जनता पार्टी के शहर अध्यक्ष शिव शंकर हेड़ा ने बताया कि विगत दिनों लौंगे इलाके में पार्किंग को लेकर दो पक्षों में विवाद हो गया। इसी बीच अन्य पक्ष ने दुर्भावना वंश झूठा मुकदमा दर्ज कराया है, जबकि उसका मूल कारण कुछ और है। वहीं उन्होंने कहा कि क्षेत्र में बड़ी संख्या में अवैध बांग्लादेशी घुसपैठ, नशे का कारोबार व अन्य गतिविधियां संचालित है। इसके लिए अजमेर में एनआरसी लागू कर बाहरी लोगों को यहां से निकालना चाहिए, जिसके कारण शहर में वातावरण खराब होता है और उनमें भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का नाम जोड़ा जाता है लोहंगिया क्षेत्र के अंदर। और ऐसा प्रशासन को लगा था कि कहीं सांप्रदायिक माहौल खराब न हो, उसमें हमारे कार्यकर्ता को का भी इसमें इसके खिलाफ एफ आई आर लॉज हुई। और जो वहाँ की हिस्ट्री हमने सुन करके समझ करके जो हमारे ध्यान में आई, उसका हमने माननीय एस पी साहब के सामने उस बात को रखा कि उस व्यक्ति का कहीं ऐसा भाव नहीं था जो जिस तरह से वो बोला या उसका वीडियो क्लिपिंग जो भी हुई है, लेकिन वो उस वातावरण के अंदर वो बोल गया। वो वास्तव में उसका बोलना गलत था, लेकिन उसके पीछे क्या कारण बने उस पर जाते हुए और पहले क्या क्या किस तरह से वहाँ पे जैसे बांग्लादेशी लोग आकर के वहाँ बस गए और बांग्लादेशियों ने वहाँ पे जिस तरह से अतिक्रमण करते हुए और वहाँ लोगों में भय फैला रखा है और गलत एक्टिविटी करते हैं, तो उस पर नियंत्रण करने के लिए हमने ये भी बात रखी थी कि उन पर भी चेक किया जाए और एनआरसी यहाँ भी लागू की जाए। इस बारे में हम भी अपने केंद्रीय गृह मंत्री जी से भी बात करेंगे कि अजमेर के अंदर एनआरसी लागू की जाए और इस तरह से जो अवैध रूप से बांग्लादेशी यहाँ बसे हुए उनको यहाँ से निकाला जाए। उसकी प्रक्रिया में हो सकता देरी, पहले भी बात चर्चा चली थी, लेकिन ये अजमेर के लिए बहुत आवश्यक हो गया है कि यहाँ पर एनआरसी लागू होकर के ऐसे अवैध रूप से बसे हुए बांग्लादेशियों से बाहर निकाला, ताकि भविष्य में इस तरह का कोई भी इंसिडेंट न हो। और हमने निवेदन किया कि आप इसकी गहराई से पूरे एक बार जांच लें और जांचने के बाद में पूर्व में भी इस तरह की कोई वातावरण बना हो या पूर्व में इस तरह की घटना घटी है, तो उसमें भी हमेशा भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने प्रशासन का हमेशा सदैव सहयोग किया है और इस वातावरण को स्वार्थपूर्ण बनाए रखने में सहयोग किया है। इन सबको ध्यान में रखते हुए इस पर आगे कार्य करें।